बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा। बुलंदशहर में एक शिक्षा का मंदिर अखाड़ा बन गया। बुलंदशहर ब्लॉक की उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गांव कुरवाल बनारस में तैनात शिक्षिकाओं में आपस में मारपीट हो गई। जब इसकी जानकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को लगी तो गांव के सैकड़ों लोग स्कूल में एकत्र हो गए और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बच्चों के परिजनों ने टीचरों पर छात्र छात्राओं से स्कूल में सफाई कराने और गुणवत्ता रहित मिड डे मील का भोजन देने का आरोप लगाया। इस मामले में बीएसए ने दो शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। बच्चों के परिजनों ने स्कूल के पूरे स्टाफ को बदलवाने की संबंधित अधिकारियों से मांग की है। यह पूरा मामला बुलंदशहर ब्लॉक के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कुरवाल बनारस का है। क्या राजनीति चलती है? राजनीति यह चलती है, आपस में लड़ती है, मरती है, बालकन का कचरा उठवाती है, बालकन को कच्ची कोरी सी छोटी सी रोटी न देती है, बालकन न डालती है, फिर फिल्म खुद बनाती है, वो कहते हैं दूसरे बनाते हैं। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी से की है? जब इन्होंने राजनीति अब इतनी बढ़ गई, हम तो जवान ही दो साल हो रहे हैं, चलो कोई बात ना, होते हो रही है तो हम सुनवाई न करें। झाड़ू लगाने वाली आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, एक पढ़ता है मेरे पांचवी क्लास में जी। उसने तो कई दिन शिकायत करी है कि मम्मी वो मैडम जो कल्पना मुझ पर झाड़ू लगवाती है, जब मैं नहीं करता तो मुझे मारती है। मेरे की चलो कोई बात नहीं, बड़ी है तुमसे, मैंने मतलब बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया, यहाँ आई नहीं थी कहने के लिए। अब जब सभी आए हैं तो मैं इसलिए आई हूँ। मैं भी शिकायत करूँ जाकर अपने बच्चों को घर काम चाहिए, यहाँ करवाती है। तो आप क्या चाहती हैं? ये क्या चाहती है? आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं स्टाफ बदले बस यहाँ से। आप क्या चाहते हैं? बच्चे ने पढ़ने के लिए भेजते हैं कि काम करवाने के लिए नहीं भेजते हैं? अगर एक बच्चे भी बुलाना स्टाफ बदले शिक्षिका लड़ती है क्या आपस में? लड़ती है, मोबाइल पे लगी रहती है, बच्चों पे ध्यान नहीं देती है। जो ध्यान देती है सब इसी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप? इसी स्कूल में। अच्छा, क्या वजह है आज आपके परिजन आए हैं यहाँ पे? झाड़ू लगवाती है हम पे, झाड़ू लगवाती है, पोछा लगवाती है, कचरा बिनवाती है हमसे सीट के नीचे से, और फिर मैम जिनको दिन से मूवी करवा में लाइटिंग में पानी भी डलवाती और हमारी मैम के इतना बड़ा निशान भी हो रहा है, उनका गला घोट के धक्का दिया गया था। मैडम को मारपीट होती है क्या? यही तो विवाद है। जूनियर के मैडम मैं करने गई थी कि बच्चे लड़ रहे हैं, क्लास में चली जाओ, हमारी मैम को गला घोट के धक्का दे दिया था। अच्छा अच्छा,